good morning students how are you i hope you all are fine students today i am going to start written work of class 3rd evs chapter 1 student this is first video of written work okay so let's start at first students uh, we have already done this work. Okay, means that which Poonam looked up, she saw many animals on the tree. Which animals can you spot on the tree in the picture? Write down their names. Okay, you all already done. When explanation time. All right. So monkey, squirrel, pigeon, sparrow, manna, ants, crow, butterfly. All right. And second word i am revising here which animals did punam see at the pond question mark look at the picture and write their names first you have written goat then tortoise buffalo crane frog and egret all right students and this one work you already done all right but i am revising this work

अर्थवॉम स्नेक एंड स्नेल ओके स्नेक मीन्स सांप स्नेल मीन्स घोंगा ये क्या करते हैं अर्थवॉर्म के चुआत रैंगते हैं ये जमीन पर ओके okay? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मोवमेंट के लिए कैन वॉक डॉक काव गोट कैन होप हॉप मीस उछलनाप उछल कर चलना ओके okay? तो कंगारू रेबेट एंड ग्रास ऑपर कंगारू कंगारू रेबेट खरगोश ग्रास ऑपर टिड्डी ओके हैव विंग्स ऐसे एनिमल्स जिसके क्या होते विंग्स होती है बटरफ्लाई क्रो पैरेट तितली कौआ और तोता हैव फिट जो पैरों पर चलते हैं जिसके पैर होते हैं डॉग, गोट काव अ टेल जिनकी पूछ होती है काव हॉर्स एंड बफेलो। सो दिस दिस वर्क यू हैव डन ओके नाउ दिस टाइम यू हैव टू स्टार्ट दिस वन वर्क ऑल राइट स्टूडेंट सो स्टार्ट Look at the pictures given below. Students, can you see so many pictures here? ओके पिक्चर ऑफ हॉर्स पिक्चर ऑफ डॉग हैंड ऑल राइट सो कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस ओके अब आपको क्या करना है यहाँ पे इस पिक्चर में आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं अब आपको इन एनिमल्स पर कलर करना है बट किस पर कलर करना है दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस जो आपके घर में नहीं रहते ओके okay? तो ध्यान से स्टूडेंट्स अब दिस इज योर होम एक्टिविटी ओके तो यहां पर आपको क्या करना है उन एनिमल्स पर देखो यहाँ पर कितने सारे एनिमल्स दिए गए हैं ओके हॉर्स डॉग इट्स हैंड कैट बर्ड ओके कैमिलियन एलिफेंट माउस लीजर्ड कॉकरोच ग्रासोपर फेस डक ओके okay? तो आपने ये सभी एनिमल्स को पहचान लिया तो अब इन एनिमल्स में आपको उन एनिमल्स पर कलर करने हैं जो आपके घर में नहीं रहते ऑल राइट स्टूडेंट्स सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल मैं एक बताती हूँ कैसे आपको ये कलर करना है फॉर एग्जांपल वी कैन कलर कैमिलियन हेयर ओके एंड बिक कॉमनली कैमिलियन डू नॉट लिव इन अवर हाउसेज तो सबसे पहले एग्जाम्पल में आपको कैमिलियन पर कलर करके बताएंगे क्योंकि कैमिलियन हमारे किसी के भी घर पर नहीं रहते ओके okay? तो जनरली कैमिलियन हमारे घर पर नहीं रहते तो हम इस पर कलर कर देंगे तो ऐसे ही आपको क्या करना है बाकी एनिमल्स जो आपके घरों में नहीं रहते उन पर आपको कलर करना है और राइट okay students so uh, now you will color rest of the animals which do not live in your house okay like horse and elephant etc which don't live in your house you do this activity yourself students and after coloring the animals send me the picture in the comment section in this video getting और राइट स्टूडेंट्स तो अब बाकी एक्टिविटी आप खुद से करेंगे अपने घर पे आपके घर पे अगर डॉग रहता है तो आप डॉग पर कलर नहीं करोगे आपके घर पे अगर रैट या माउस हैं तो आप उस पर भी कलर नहीं करोगे अगर आपके घर पे कॉकरोच कॉकरोच बहुत लोगों के घर पे रहते हैं ना किचन में या स्टोर रूम में तो अगर आपके घर में कॉकरोच रहता है तो आप उस पर कलर नहीं करोगे ओके लीजर्ट देखिए समर सीजन में हमारे बहुत लोगों के घर पे लीजर्ट आती है ना तो रहती है हमारे घर में स्टोर रूम में मिलती वॉल में मिलती है ओके okay? तो आप फिर लीजर्ट पर भी कलर नहीं करोगे ओके okay? तो ऐसे ही आपके घर पे जो जो एनिमल्स रहते हैं ओके okay? कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस और जो आपके घर में रहते हैं उन पर तो आप कलर नहीं करोगे और जो आपके घर में नहीं रहते जैसे कैमिलियन तो किसी के घर पे नहीं रहता है ओके okay? और बर्ड्स भी आई डोंट थिंक सो कि आपके घर पे कोई बर्ड रहती होगी तो आप इस पर भी कलर करोगे ऑल राइट स्टूडेंट्स नाउ गेटिंग एंड डोंट फॉरगेट ओके यू हैव टू कलर द एनिमल्स दैट डो नॉट लिव इन योर हाउस एंड आफ्टर कलरिंग प्लीज सेंड मी द पिक्चर्स इन द कमेंट सेक्शन ऑल राइट ओके सो नेक्स्ट हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स कंप्लीट दम एंड राइट देअर नेम्स बिलो ऑल राइट यहां पर क्या करना है आपको कुछ एनिमल्स कुछ तीन एनिमल्स यहाँ पे आपको थ्री एनिमल्स की पिक्चर दी गई है और आपको क्या करना है इन पिक्चर्स को कंप्लीट करना है एंड देन राइट देयर नेम्स बिलो ओके देन राइट देयर नेम्स बिलो और उसके बाद आपको उस कंप्लीट पिक्चर के बाद जो एनिमल्स दिख रहा है जो एनिमल बन रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है गेटिंग सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट टू कंप्लीट दिस पिक्चर एंड आई श्योर दैट आपको पता चल गया होगा कि ये क्या एनिमल यहां पर बनने वाला है ये क्या क्या बन रहा है अभी आप बताएंगे देखिए क्या एनिमल बन रहा है ये एड्स इसके पाओ हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स ये देखिए हमने इसके पाओ कंप्लीट कर लिए इसका एक एयर भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं ओके okay, नोज इसकी बनी हुई है और यहाँ पर इसका पाँव भी बना हुआ है तो स्टूडेंट्स आपको डेफिनेटली मालूम चल गया होगा कि ये कौन सा एनिमल है यस इट्स अ डॉग तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे डी ओ जी डॉग ओके नाउ सेकेंड वन स्टूडेंट्स ये भी आपको मालूम होगा कि आप ये क्या बनने वाला है ये ठीक है तो हमको इसके फैदर यहाँ पे बना लेने हैं ओके okay. एक यहां पर बना हुआ है देन ये भी बना है तो स्टूडेंट्स क्या बना यहाँ पे देखिए इसका एक फैदर हमने कंप्लीट किया तो क्या बन गया फिश सो राइट डाउन एफ आई एस एच फिश गेटिंग नाउ थर्ड वन कैन यू गैस इट यस ओके तो देखिए हम क्या बनाएंगे इसको कंप्लीट क्या करेंगे हम इसे इसके लेक्स हमने बना लिए ओके नाउ लुक लुकदाय क्या बन गया स्टूडेंट्स यस ऑफ कोर्स इट इज कॉकरोच ओके सो राइट डाउन सी ओ सी के आर ओ ए सी एच ऑल राइट स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी भी हमारी हो गई आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करके इसके पिक्चर्स को भी यू कैन सेंड मी इन माय कमेंट सेक्शन ओके इन दिस वीडियो गेटिंग तो आपको इसको भी बहुत सुंदर ढंग से इन पिक्चर्स को कंप्लीट करके उसके नेम आप लिख लेंगे ऑल राइट नाउ नेक्स्ट हु एम आई ओके स्टूडेंट्स सो हेयर यू हैव टू फाइंड द नेम्स ऑफ अकॉर्डिंग सम क्लूज ऑलराइट? सो हु एम आई मैं कौन हूं फाइंड माय नेम इन द क्रॉस वर्ड्स एंड पुट सर्किल अराउंड इट, वन एग्जांपल हैज गिवन ओके तो स्टूडेंट्स देखिये यहाँ पर आपको क्रॉस वर्ड्स को बनाना है ठीक है और जो एक वर्ड कंप्लीट हो रहा है उस पर आपको सर्किल करना है So now listen. फर्स्ट वन बनाना इज वॉट आई लव एटिंग आई स्पेंड माई टाइम जम्पिंग एंड बनाना मुझे खाना बहुत पसंद है और मैं अपना समय जम्पिंग जम्पिंग कूदना छलांग मैं अपना समय कूदने और छलांग मारने में खर्च करता हूँ सो वट इज इट येस ऑफकोर्स इट्स अ मंकी ऑलरेडी कलर द वर्ड मंकी ऑल राइट स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट वन On the walls, webs I weave, where insects stick and cannot leave. On the walls, divarome, webs I leave, webs means jal banana. आई वी मैं बुनता हूँ दीवारों में मैं जाल बुनता हूँ वे इनसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव इनसेट स्टिक चिपकना कैन नॉट लीव नहीं छूट सकते जहाँ कीड़े चिपक जाते हैं कीट चिपक जाते हैं और उस जाल से नहीं छूट पाते सो कैन यू गैस इट स्टूडेंट येस ऑफकोर्स यू आर राइट इट्स अ स्पाइडर सो हेयर We put a circle on the word that is spider. Okay, so write you can write spider. Okay, here is not space to writing, so you just put a circle. Okay, all right, it's a circle. Spider, all right, so we can color to highlight this one word spider. Getting.

ओके डे लाइट दिन के उजाले में और दिन के उजाले में पूरा दिन में सोता रहता हूं सो व्हाट इज इट स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स इट्स अ आउल ओके आउल मींस उल्लू सो हेयर इज आउल सो वी कैन पुट सर्किल और कलर ऑन इट ओके आउल गेटिंग स्टूडेंट्स नाउ थर्ड वन क्रॉक 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 इज माई साउंड ओके इन वॉटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड क्रॉक 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 टर टर मेरी आवाज है मैं पानी में और जमीन दोनों में पाया जाता हूँ सो गैस गैस्टोरेंट्स यस इट्स अ फ्रॉक ओके इट्स अ फ्रॉक सो वेयर इज फ्रॉक हेयर ओके इट्स अ फ्रॉक ऑल राइट Now next, I appear after rainfall. Okay, appear दिखाई देना rainfall वर्षा मैं वर्षा के बाद दिखाई देता हूं हैव नो फीट सो आई क्रॉल मेरे पाव नहीं है फीट मीन्स पाव मेरे पाव नहीं है इसलिए आई क्रॉल क्रॉल मीन्स रेंगना इसलिए मैं रेंगता हूं नाउ अगेन गैसेट वट इट ओके सो येस ऑफकोर्स इट्स अ स्नेल एस एन ए आई एल स्नेल ऑल राइट स्टूडेंट्स so we have to color on this on snail okay snail snail means to rinse honga. okay now last one slow and steady is my pace i always वेन देयर इज अरेस ओके स्लो धीरे धीरे स्टेडी निरंतर गति से इज माई पेस्ट चाल धीरे धीरे और निरंतर मेरी चाल है आई ऑलवेज वेन मैं हमेशा जीतता हूँ वैन देअर इज अरे जब भी रेस या दौड़ होती है तो अपने हैव यू लिसन द स्टोरी अबाउट रैबिट एंड Yes, what's tortoise? So it's a tortoise. So color tortoise. Okay. Color tortoise. Where, where, where is tortoise? Yes, here. T O R T O I S E. Tortoise. So getting students. Monkey, then spider, then owl, then frog, then snail, and last one is toys all right so this work finished now next next written work is next written work is here yes students page number eight now open page number eight all right so here we have to do some writing work so start first spend some time under a tree Observe the animals carefully. Name the animals which can be seen. All right. Again, I am repeating. Spend some time under a tree. एक पेड़ के नीचे कुछ समय व्यतीत करिए. Spend means व्यतीत करना. Under a tree, पेड़ के नीचे. Observe the animals carefully. Observe means निरीक्षण करना. The animals जानवरों का carefully ध्यान से नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन नेम मींस नाम एनिमल्स जानवर विच कैन बी सीन जो दिखाई देते हैं ओके okay, अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है दिस इज योर एक्टिविटी वॉक आपको कुछ समय एक पेड़ के नीचे गुजारना है ओके okay, आपके घर के आसपास कोई पेड़ होगा तो आप उस पेड़ के पास कुछ देर बैठिए ओके okay, और ध्यान दीजिए ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करिए कि कौन कौन से जानवर आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं और किस जगह पर दिखाई दे रहे हैं हे गिवन सम वर्ड्स ऑन द ब्रांचेस ऑन द लीव्स ऑन द ट्रंक ऑन द ग्राउंड अराउंड द ट्री ब्रांचेज में कौन से एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं आपको ध्यान से देखना है उसे लिखना है फिर लीव्स में कौन से दिखाई दे रहे हैं ब्रांचेस टहनिया शाखाओं में लीव्स पत्तियों में आपको कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं ऑन द ट्रंक ट्रंक मीन्स पेड़ का तना तो पेड़ के तने में कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं ऑन द ग्राउंड ग्राउंड मीन्स जमीन में ओके okay? तो जमीन में कौन कौन से जानवर आपको दिखाई देते हैं एंड अराउंड द ट्री पेड़ के चारों ओर ओके okay? पेड़ के आसपास कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं वो आपको देखना है ऑल राइट स्टूडेंट तो अब आपको ये एक्टिविटी आपको खुद से घर से करनी है बट दिस टाइम आई एम ंग एग्जाम्पल्स ओके मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूं कि हमें अगर मैंने कुछ टाइम पेड़ के नीचे स्पेंड किया था तो मुझे कौन कौन से जानवर दिखाई दिए ओके सो हेयर आई एम राइटिंग बट यू हैव टू राइट योअर सेल्फ आफ्टर ऑब्जर्विंग ओके ऑब्जर्व करने के बाद अंडर अ ट्री आपको कुछ टाइम स्पेंड करना है और आफ्टर ऑब्जर्वेशन यू विल राइट हेयर ओके स्टूडेंट्स सो लेट स्टार्ट ऑन द ब्रांचेज अब बेटा अगर हम पेड़ के नीचे कुछ टाइम अगर हम स्पेंड करेंगे तो जनरली हमें पेड़ की टहनियों में ब्रांचेज मीन्स टहनिया पेड़ की टहनी में हमें कौन कौन से जानवर दिखाई देंगे फर्स्ट वन स्टूडेंट्स मंकी अक्सर हमें कौन सा जानवर पेड़ पर दिखाई देता है मंकी सो एम राइट डाउन एम ओ एन के ई वाई मंकी राइट एमओ एन के वाई मंकी एंड सेकेंड वन स्टूडेंट अक्सर हमें पेड़ की टहनियों में उछल कूद करती हुई चलती हुई कौन सी कौन सा जानवर दिखाई देता है गिलैरी स्क्वाओके okay? तो स्क्वाल राइट डाउन एस क्यू यू आई आर आर ई एल स्क्वाटिंग नाउ थर्ड वन स्टूडेंट दिस इज अक्सर पेड़ पर कौन बैठा हुआ दिखाई देता है हमें यस yes, क्रो या कोई भी बर्ड हमें बैठी हुई दिखाई देती हम यहाँ पे क्रो लिखेंगे क्योंकि मैंने कई बार क्रो को पेड़ के ऊपर बैठे हुए देखा है ओके स्टूडेंट्स नाउ सेकेंड इज ऑन द लीव्स ये देखिए ऑन द लीव्स अब लीव्स मीन्स पत्तियां हमें पत्तियों में अक्सर कौन से जानवर दिखाई देते हैं कौन से एनिमल दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स एक हमें बहुत ज्यादा पेड़ की पत्ती पे जो दिखाई देता है वो हमें कौन दिखाई देता है एफिड ठीक है अभी आपको बताएंगे एफिड क्या होता है सो राइट फर्स्ट एफिड ए पी एच आई डी एफेड हमें एफिड दिखाई देता है ना और एफिड होता क्या है इसको हम एफिड भी बोलते हैं या फिर माहू भी इसे बोला जाता है ये एक बहुत ही स्मॉल साइज का इंसेक्ट होता है कीट होता है जो कि पौधे के रस को चूसने का काम करता है पौधे की पत्तियों से उसके रस को निकाल लेता है ओके जैसे कि अक्सर हमने देखा होगा कि सरसों का अगर आप ध्यान देंगे तो सरसों के पौधे में बहुत ज़्यादा एफिड आता है ठीक है एफिड लगता है जो कि उसकी फसल को नुकसान भी करता है कई बार ओके तो एफिड एफिड माउ या यू कैन से एफिड मीनस की पत्तों पर बैठने वाला बहुत ही छोटे साइज का कीट जो कि की पौधे के रस को चूसता है ओके नाउ सेकेंड हमने पत्तियों पर किसको बैठे भी देखा है फ्लाई को ओके फ्लाई मीन्स मक्खी फ्लाई मीन्स मक्खी एंड थर्ड वन हमने जो पत्तियों पर बैठते हुए हम अक्सर देखते हैं आंट को भी हम देखते हैं कई बार चीटियां भी पत्तियों पर बैठती हैं ना मूवमेंट करती हैं पत्तियों के ऊपर से तो आंट नाउ थर्ड वन ऑन द ट्रंक ट्रंक मीन्स स्टूडेंट्स पेड़ का तना ट्रंक मीन्स पेड़ के तने में अब तना आपको मालूम होना चाहिए कि तना क्या होता कौन से पोर्शन को हम पेड़ का तना कहते हैं स्टूडेंट्स दिस दिस इज अ ट्री मैं एक ट्री यहाँ पे बना रही हूँ रफ में तो पेड़ का तना क्या होता है दैट इज अके दिस इज अ ट्रग ऑल राइट ये क्या कहलाता है पेड़ का तना तो अब इस तने पर कौन कौन से जानवर अक्सर बैठते हुए दिखाई देते हैं ओके okay? ये तो हमने क्या देख ली पेड़ की टहनिया इट्स अ ब्रांचेस ओके ये क्या हो गया ब्रांचेस ठीक है पेड़ की टहनी तो हमने पेड़ की टहनियों में कौन से जानवर देखे थे मंकी स्क्वायर एंड क्रो अब लीव्स में ठीक है अब जो पेड़ की टहनियों में जो लीव्स होती हैं ठीक है इस लीव्स में हमने किसको देखा बेटा हमने एफेड फ्लाई आंट इसके अलावा आप बहुत सारे अन्य एनिमल्स को भी देख सकते हैं ठीक है आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल एयर ऑल राइट अब बात आई किसकी ट्रंक की बात आई किसकी बात आई पेड़ के तने मीन्स की इस पोर्सन में कौन से एनिमल अक्सर हमें मिलते हैं तो कौन से मिलते हैं बेटा पेड़ के ट्रंक में राइट डाउन जो हमें जनरली मिलती है वो ऑफकोर्स क्या मिलती है आंट मिलती है क्योंकि आंट ये तने से होकर ही पत्तियों तक पहुंचती है अगेन यू विल राइट ए एन टी आंट ओके एंड सेकेंड वन स्टूडेंट्स ऑफकोर्स येस टर्माइट बहुत बार मिलती है टर्माइट ठीक है टर्माइट मीन्स स्टूडेंट्स दीमक दीमक अक्सर क्या करती है पेड़ के तने पर रहती है और वो लकड़ी को खाती है ठीक है लकड़ी को कुतरते रहती है खाते रहती है धीरे धीरे लकड़ी का पाउडर बन जाता है ठीक है अक्सर हमारे घरों के दरवाजे खिड़की में भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ पर भी दीमक लग जाती है ओके तो दीमक इज टर्माइट ऑल और थर्ड हमें ट्रंक में जो मिलता है दैट इज अटर ओके सो राइट बीटर ई टी एल ई बीटर बीटर मींस स्टूडेंट्स भौरा ठीक है इट इज एन इंसेक्ट विथ अ हार्ट कवरिंग टू इट्स बॉडी ऑल राइट तो ये भी अक्सर कहाँ पर मिलता है हमें पेड़ के तने पर मिलता है ठीक है ये क्या होता है इसका जो ये एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिसकी पूरी बॉडी एक बहुत ही हार्ड कवर रहती है उसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग चीज से कवर रहती है ऑल राइट नाउ नेक्स्ट ऑन द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड ग्राउंड मीन्स बेटा जमीन पर ठीक है पेड़ के आसपास जो जमीन होती है ज़मीन पर हमें जिस पेड़ को आपने ऑब्जर्वेशन में रखा तो उस ऑब्जर्वेशन के बाद आप उस पेड़ के नीचे बैठे थे ऑब्जर्वेशन के बाद आपने देखा पेड़ की जो ब्रांचेस थी ब्रांचेस में आपको बहुत सारे क्या मिले थे बहुत सारे एनिमल्स मिले थे ठीक है जिसमें मंकी स्कवायर एंड क्रो वगैरह थे ठीक है इनमें आपको मंकी भी मिला और क्या मिली स्क्वायरल भी यहाँ पर फुदकती हुई मिली एंड क्रो भी फ्लाई करके उड़ के यहाँ पर कुछ देर रेस्ट किया कुछ देर बैठा ठीक है उसके बाद हमने क्या देखा ऑन द लीव्स लीव्स में हमें एफेड फ्लाई आंट एक्सेट्रा इसकी पत्तियों पर बैठे हुए मिले ऑल राइट फिर थर्ड में हमने क्या देखा ऑन द ट्रंक ट्रंक में हमें कौन मिले आंट टर्माइट और बीटल ठीक है अब फोर्थ वन हम बात करेंगे ऑन द ग्राउंड ठीक है जिस पेड़ के पास हम बैठे हैं जिस पेड़ के नीचे हम यहां पर बैठे हैं तो यहां पर ग्राउंड में ठीक है ये यहाँ का जो ग्राउंड है इस ग्राउंड में आपको अक्सर कौन से जानवर देखने को मिले ऑलराइट राइट right, तो अक्सर हमें पेड़ के ग्राउंड में पेड़ के किनारे जो ग्राउंड है जमीन है वहां पर नॉर्मली पेड़ के आसपास से डॉग भी गुजरता है कैट भी गुजरती है और अक्सर अर्थ भी हमें आस मिलता है ओके okay? तो वहां पर काउ भी गुजर सकती है बफलो गुजर सकती है जनरली जो हमें अक्सर आराम से दिख जाते हैं वो डॉग कैट अर्थ वाम. ओके okay? या का भी हो सकती है ऑल राइट सो राइट डाउन और स्नेक भी गुजरता है पेड़ के आसपास ठीक है तो आपने अगर स्नेक देखा होगा तो आप स्नेक लिख सकते हो पर हम लोग कॉमनली हम क्या देखते हैं पेड़ के आसपास से डॉग या कैट को गुजरते हुए देखते हैं सो राइट डाउन हेअर स्टूडेंट्स डी ओ जी डॉग ऑल राइट एंड सेकेंड वन सी ए टी कैट एंड थर्ड वन यू कैन राइट अर्थ वार्म वो भी अक्सर हमें दिखते हैं ठीक है ई ए आर टी एच डब्ल्यू ओ आर एम अर्थ e a ए आर टी एच डब्ल्यू ओ आर एम अर्थ वॉर्म कैट अर्थ नेक्स्ट अराउंड द ट्री अराउंड means students चारों और अराउंड means चारों, द ट्री पेड़ के चारों ओर अब देखिए जो हमने यहाँ पे पेड़ यहाँ पे ड्रॉ किया था तो हमारे इस पेड़ के आसपास अराउंड में ठीक है चार और अभी तो हम पेड़ के पास के ग्राउंड की बात कर रहे थे जहाँ पे हमें डॉग मिला कैट मिली अर्थ मिला अब हम पेड़ के ग्राउंड की बात ना करके इसके पूरे चारों ओर इस पेड़ के चारों ओर हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं ठीक है तो अब हम इसमें लिखेंगे आपने देखा होगा आप जब भी कभी किसी पेड़ के आसपास खेलते हैं या बैठते हैं तो आपको पेड़ के चारों ओर कौन कौन सी चीजें मिलती हैं यस कोर्स कई चीजें मिलती हैं पेड़ के ओर आंट मिलती है स्क्वेर मिलती है लीजर्ड मिलती है बर्ड्स मिल जाती हैं पेड़ के आसपास चारों ओर है ना तो राइट डाउन हेयर फर्स्ट वन आंट ठीक है आंट तो हमें मिलती ही है पेड़ के चारों ओर कहीं पर भी वो लीव्स में भी पहुंच जाती है ट्रंक में भी पहुंच जाती है जमीन पर भी चलती है उसके चारों ओर भी घूमती है एंड नेक्स्ट स्क्वास स्क्वायर को भी आप फुदकते हुए देखते हैं कहीं भी फुदकती रहती है पेड़ के आसपास चारों सो राइट डाउन स्क्वासू यू आई आर आर ई एल एंड थर्ड वन स्टूडेंट्स लीजर लीजर भी हमें बहुत दूर दूर तक पेड़ के आसपास घूमती हुई दिखती है ठीक है सो राइट एल आई जेड ए आर डी ट ओके सो अराउंड द ट्री पेड़ के चारों ओर आंट स्क्वेरल एंड लीजर्ट ऑल राइट स्टूडेंट नाव अगेन आई एम रिपीटिंग ऑन द ब्रांचेस टेहनो में मंकी स्क्वेरल क्रो ऑन द लीव्स Aphid, fly ant on the trunk ant termite, beetle okay on the ground dog cat, earth around the tree uh, dog cat here earthworm students okay it's a earthworm all right on the ground dog cat, earthworm and around the tree and squirrel lizard all right now next now arrange these animals in the order of their size okay smallest बींग द फर्स्ट अब आपने जो भी यहाँ पे एनिमल्स लिखे थे स्टूडेंट्स इनको आपको अरेंज करना है व्यवस्थित करना है उनके आना है इनको अरेंज करना है और कैसे अरेंज करना है स्मॉलेस्ट बींग द फर्स्ट सबसे पहले आपको छोटे छोटे जो इनमें सबसे छोटे साइज के एनिमल्स हैं जैसे आंट हो गया और एफड हो गया तो इनको आप सबसे पहले लिखेंगे ठीक है तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट हेयर अब देखिए यहाँ पर हम हमने कितने एनिमल्स को लिखा है जिसमें मंकी बंदर स्क्वायरल गिलहरी क्रो एफेड एफेड ओके okay, एफिड यानी एफिड बोलते हैं माहू बोलते हैं फ्लाई मक्खी आंट चीटी टमाइट दीमक बीटल भौरा डॉग कुत्ता कैट बिल्ली अर्थवा केंचुआ स्क्वायरल गिलहरी लीजर छिपकली ओके okay, तो ये सब है अब हमें इनमें जो सबसे छोटा होता है उसको हमें सबसे पहले लिखना है ओके okay?

आपको क्या करना होगा जो सबसे छोटे एनिमल्स हैं उन छोटे एनिमल्स को आपको क्या करना है सबसे पहले लिखना है तो पहले आप इनमें जो सबसे छोटे साइज के एनिमल्स हैं उनको आप शॉर्ट आउट करोगे जस्ट एग्जाम्पल देखिए एफेड बहुत छोटा होता है माहू फ्लाई छोटी होती है मक्खी आंट तो बहुत ही छोटी होती है टर्माइट दीमक भी छोटी होती है एंड बीटर भी क्या होते हैं छोटे होते हैं तो अब आपको पहले ये चार और पांच एनिमल्स को शॉर्टलिस्ट कर दीजिए और उसके बाद जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले आप लिखेंगे तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आंट और एफिट की ये दोनों बहुत छोटे होते हैं ऑलमोस्ट लगभग एक ही साइज के होते हैं माइनर इनमें बहुत कम अंतर होता है तो अगर हम इनकी लंबाई के अकॉर्डिंग देखें तो स्टूडेंट्स एफिट जो होता है उसकी जो एफ की लंबाई होती है ग्रोथ होती है वो वन अपॉन एट इंच होती है एफिट की ठीक है और आंट की स्टूडेंट्स होती है जीरो पॉइंट सेवन फाइव टू फिफ्टी टू एम एम ओके और जो इसकी आंट में जो आ, बुलेट आंट होती है एक बुलेट आंट सबसे बड़ी होती है जो आंट्स में कंपैरिजन देन अदर आंट्स बुलेट आंट्स बड़ी होती है तो इसकी लंबाई होती है वन पॉइंट टू इंच होती है कितनी होती है 1.2 पॉइंट टू इंच और एफ की ग्रोथ क्या होती है 1 अपॉन एट इंच ओके वन अपॉन एट इंच तो हम और अगर हम मिलीमीटर में हमें कर, हम करें तो आंट की होती है 0.75 पॉइंट सेवन फाइव टू फिफ्टी टू एम होती है और एफ की होती है 3.18 पॉइंट mm. वन एट एम ओके okay, स्टूडेंट तो सबसे पहले कौन सा एनिमल आएगा हमारा आंट आएगा क्योंकि आंट क्या है ग्रोथ वाइज साइज वाइज बहुत क्या होती है बहुत ही छोटी होती है ठीक है इसकी ग्रोथ इतनी ही होती इसकी जो लंबाई होती है आंट की वो कितनी होती है जीरो पॉइंट सेवन फाइव टू फिफ्टी टू एम एम सो वी विल राइट हियर सो आंट राइट ए एन टी आंट ओके ए एन टी आंट एंड सेकेंड वन स्टूडेंट एफेड ओके क्योंकि एफेड उसके बाद आंठ और एफेड लगभग बराबर होता है थोड़ा आंठ छोटी होती है ओके okay? तो एफेड एफेड की कितनी होती है थ्री पॉइंट वन एट एम एम होती है ठीक है और अगर इंच में करें वन अपॉइंट एट इंच होती है तो राइट डाउन हेयर एफेड नंबर टू में आंट से थोड़ा सा बड़ी होती है एफेड माऊ ओके माहू से बड़ी होती है एंड थर्ड वन स्टूडेंट्स इट्स अ टर्माइट इट्स अ टर्माइट ठीक है उसके बाद जो होता है दीमक टी ई आर एम आई टी ई टर्माइट टी ई आर एम आई टी ई टर्माइट ओके स्टूडेंट्स ओके वी जस्ट इज दिस ई इट्स नॉट प्रॉपर टी आर एम आई टी टर्माइट एंड फोर्थ नंबर पर आएगा बेटा बीटल ठीक है फोर्थ में वेट वेट इट्स फर्स्ट वन एंड देन एफेड देन थर्ड वन स्टूडेंट्स टर्माइट एंड फोर्थ वन आएगा आपका बीटल ठीक है फोर्थ वन फ्लाई फ्लाई थोड़ा सा छोटी होती है बेटा बीटल से बीटल को हम फिफ्थ में डाल लेंगे ओके एंड नेक्स्ट इज बीटल बी डबल ई टी एल ई बीटल ओके एंड सिक्स में हमारा आएगा बेटा अर्थवॉम ठीक है अर्थवॉम स्क्वायरल कैट और डॉग से कंपेरिजन में छोटा होता है सो राइट ई ए आर टी एच डब्ल्यू ए आर एम डब्ल्यू ओ R M okay. Art warm E A R T H W O. It's not clear W O properly, right? W O R M okay, students. Art warm. Arth warm. okay. Now seventh one is. स्क्रल अगर हम कैट और डॉग और स्क्वाल को कंपेयर करें तो किसका साइज छोटा होता है येस ऑफकोर्स इट्स अ स्क्वाल सो राइट डाउन एस क्यू यू आई आर आर ई एल ओके एंड नेक्स्ट हेयर स्टूडेंट्स वन इज मिसिंग लीजर्ट यस यस तो हम लीजर्ट को स्क्वायरल से पहले डाल लेंगे क्योंकि स्क्वायरल और लीजर्ट का कंपेयर करेंगे तो कौन पहले आएगा लीजर लीजर्ट, लीजर्ट स्क्वाल के कंपेयर में क्या होती छोटी होती तो स्क्वायरल को हम एट नंबर पे डाल लेंगे सो राइट हेयर लीजर्ट एल आई जेड ए आर डी लीजर्ट अब इसकी बारी आई हमारी स्क्वाल की ठीक है इट्स अ स्क्वाण्ड स्क्वायर के बाद स्टूडेंट क्रो ठीक है अगर हम स्क्वा और क्रो का कंपेयर करें तो कौन सा आएगा हमारा क्रो आएगा और राइट सो राइट स्क्वायरल के बाद देखिए यहाँ पे क्रो है ना हम क्रो लिखेंगे कौवा क्या होता है गिलहरी से बड़ा होता है, है ना क्रो ठीक है और ये स्टूडेंट्स चेंज भी हो सकता है हो सकता है गिलैरी बहुत छोटी गिलैरी का बेबी हो ठीक है तो हम उसको बड़े क्रो के साथ कंपेयर नहीं करेंगे अब अभी हम किसको हम यहाँ पर कर रहे हैं क्रो क्या है आ, बड़ा है स्क्वायरल क्या है छोटी अब हो सकता है क्रो का बहुत छोटा सा बेबी हो छोटा सा कौवे का बच्चा है तो हम उसे स्क्वायरल के साथ उस समय कंपेयर नहीं करेंगे इट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ओके बेटा नाउ नेक्स्ट आएगा हमारा अब अब क्या बचे हमारे देखिए मंकी बचा डॉग बचा और कैट बचा ओके okay? तो ऑब्वियसली कैट पर क्या लिखेंगे हम कैट इसके बाद छोटे में अगर कंपेयर करें डॉग कैट और मंकी का तो क्या आएगा सी ए टी कैट ठीक है और अब क्या आएगा बेटा डॉग और मंकी का कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा दोनों ऑलमोस्ट बराबर होंगे ये भी सिचुएशन पर है हो सकता है मंकी का छोटा सा बेबी हो तो आप उसे बड़े डॉग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ठीक है तो अभी हम यहां पर क्या लिख लेंगे बेटा डॉग क्योंकि हमारे पास डॉग का हम पपी के साथ कंपेयर करेंगे ठीक है डॉग के पपी के साथ तो डॉग क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा ठीक है एंड देन मंकी मंकी को हम बेबी नहीं बल्कि बड़ा मंकी हमने देखा है पेड़ में तो हम उसको बड़े मंकी और डॉग का कंपेयर करेंगे तो डॉग छोटा होगा और मंकी बड़ा होगा स्टूडेंट्स ध्यान देना कि ये आपका कंपेयर करना उस समय आपकी सिचुएशन सिचुएशन एनिमल्स की सिचुएशन पर डिपेंड करता है अगर बड़ा डॉग है पपी नहीं है डॉग बड़ा है और मंकी छोटा है बेबी मंकी है तो मंकी पहले आ जाएगा बेबी मंकी और डॉग के आ जाएगा बाद में आएगा बट हम यहाँ पर जो हम मैंने यहाँ पर अपने घर के आसपास पेड़ पे देखा तो हमने छोटे डॉग के पपी को देखा तो हम पहले उसके साइज के अकॉर्डिंग हम डॉग को पहले लिख लेंगे ओके एंड देन आफ्टर मंकी ओके स्टूडेंट्स नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग ओके

ओके okay, जैसे ब्रांच में मैंने देखा कि मंकी स्क्वायरल क्रो जनरली बहुत आते हैं ठीक है उसके बाद एफिड फ्लाई आंट आते हैं ट्रंक में आंट टर्माइट बीटल बहुत दिखाई देते हैं ग्राउंड में जनरली डॉग कैट अर्थ दिखाई देता है ठीक है एंड अराउंड द ट्री पेड़ के आसपास आंट स्क्वायरल लीजर आप बर्ड भी लिख सकते हैं ठीक है तो जो भी आप देख रहे हैं वो आएंगे अब आपको क्या करना है इनको अरेंज करना है इनके साइज के अकॉर्डिंग ओके स्टूडेंट्स तो देखिए इन सब में जब हमने कंपेयर किया तो सबसे छोटी हमें क्या मिली आंट मिली सबसे छोटी हमें क्या मिली आंट तो हमने पहले किसको लिखा आंट को फर्स्ट लिखा एंड देन आफ्टर एफेड फिर हमें क्या मिले एफेड मिली साइज में जो आंट से थोड़ा सा बड़ी थी और स्टूडेंट्स आंट और एफेड का साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है थोड़ा सा आंट उसमें छोटी होती है ठीक है फिर हम बात करेंगे हमें थर्ड में टर्माइट ठीक है जब हमने दीमक को देखा तो दीमक का साइज आंट और एफिड से थोड़ा सा बड़ा था ठीक है टर्माइट दीमक फिर फ्लाई फ्लाई तो हम जनरली हम सब देखते रहते हैं अक्सर देखते हैं मक्खी अपने आसपास खेतों में कचरे के ढेर पे ठीक है या मीठे के आसपास हमें मक्खी दिखाई देती तो फ्लाई का साइज इन तीनों से बड़ा है किन तीनों से आंट से एफिड से और टर्माइट से देन हमें A beetle. ठीक है भौरा भौरा मिला भौरा आपको हमने पहले बताया था ना इट इज एन इंसेक्ट विद अ हार्ट कवरिंग टू इट्स बॉडी ऐसा इंसेक्ट होता है जिसकी बॉडी को हार्ट कवर से जो उसकी बॉडी क्या करती है उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हार्ट कवर भौरा तो हमें भौरा फ्लाई से ऑफकोर्स बड़ा मिला ठीक है फिर हमने इसे ढूंढा हमने इसमें शॉर्टलिस्ट किया अर्थवॉर्म इन सबसे थोड़ा बड़ा और लीजर्ट से छोटा होता है अर्थवॉर्म तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू स्मॉलेस्ट बींग फर्स्ट हमने फिर अर्थवॉर्म लिखा देन स्टूडेंट्स छिपकली लीजर्ट फिर हमें क्या मिली लीजर्ट मिली ठीक है तो लीजर्ट का साइज क्या था अर्थ फॉर्म से बड़ा और स्क्वाल से छोटा था तो सेवन नंबर पे हमने लीजर्ट प्लेस कर दिया देन एर्थ कि लीजर्ट से बड़ी और क्रो से छोटी होती है स्क्वाय गिलहरी देन क्रो और क्रो के बाद फिर हमें क्या मिली कैट मिली ओके okay? और कैट का साइज क्या था क्रो से बड़ा अब हम छोटी कैट के बेबी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं पुश्ती कैट छोटी सी हम यहाँ पर जो आ, मैच्योर कैट होती बड़ी कैट होती है जो उसकी बात कर रहे हैं ठीक है तो वो हमें क्रो से क्या लगी बड़ी लगी देन डॉग और फिर उसके बाद क्या आया मंकी आया ओके okay? अब डॉग और मंकी हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि मंकी बड़ा ही होता है डॉग से ओके okay, अगर मंकी का बेबी है तो ऑफ कोर्स वो डॉग से क्या होगा बहुत छोटा होगा पर हम यहाँ पर बड़े मंकी की बात कर रहे हैं और डॉग की जगह पर हम डॉग के छोटे पपी की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमने इसको स्मॉलेस्ट साइज पर हमने पहले डॉग को रखा और देन मंकी को रखा ओके स्टूडेंट्स नाउ दिस इज कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स ओके हेयर रिटर्न वर्क इज नॉट फॉर कॉपी वर्क ओके यहाँ पे जो कॉपी वर्क है वो नहीं है सारा जो रिटर्न वर्क है स्टूडेंट वो बुक में ही हमने सॉल्व कर दिया है ओके देखिए फर्स्ट रिटर्न वर्क हमारा ये था पूनम लुकडअप पेज नंबर सेकेंड में राइट डाउन देयर नेम्स तो वी हैव टू फिलयर ओके हेयर इज सफिशेंट स्पेस टू राइट द एनिमल्स नेम ओके

गिवन स्पेस हेयर फॉर डूइंग दिस वर्क यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू राइट वेच ऑफ दैम तो इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर स्पेस था हमने ये बुक में कर दिया नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स दिस इज एक्टिविटी वर्क ओके एंड हेयर आई हैव गि वन एग्जाम्पल फॉर कलरिंग द कैमिलियन एंड नाउ यू हैव टू कलर ओके यू हैव टू कलर द पिक्चर्स गिवन बिलो and after coloring you have to send me your coloring pictures in my comment section in this video all right and next this is dog face and cockroach picture after completing we find it okay and then who am i this puzzle game crosswords we have to put a circle okay find the name after giving this clue all right students now

ओके टू आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम अंडर अ ट्री यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड देन आफ्टर यू हैव टू राइट एनिमल्स नेम ओके विच कैन बी सीन देयर ऑलराइट तो ये वर्क भी आपका ऑलमोस्ट हो गया है ओके okay? आप ऑब्जर्वेशन करिए ट्री के नीचे बैठ के और इस वर्क को इसी के अकॉर्डिंग करेंगे और राइट नाव राइटिंग वर्क इज फिनिस्ड and tomorrow we will start second chapter's writing work it is, its explanation completed students so tomorrow we will start writing work of the second chapter the plant fairy all right so now good work okay all right students and thank you very much have a nice day